महानगर मुरादाबाद के चर्चित अनुज चौधरी हत्याकांड के नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। दोनों अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई गई। इस मौके पर मृतक अनुज चौधरी की माता रजनी देवी, पत्नी प्रीतम सिंह की ओर से दोनों अधिकारियों को संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि अनुज चौधरी भाजपा का कार्यकर्ता था और भाजपा के टिकट पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन पार्टी के लोगों की धोखाधड़ी के कारण चुनाव हार गया। 2022 में अनुज ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रभाकर को चुनौती दी थी, जिसके बाद से प्रभाकर अनुज से रंजिश रखने लगा था और अनुज की हत्या करने का षड्यंत्र प्रभाकर उसके परिवार द्वारा रचा जा रहा था। प्रार्थना पत्र में ये भी कहा गया, अनुज चौधरी की जेल में आजीवन सजायाफ्ता मोहित चौधरी, सत्येंद्र विकास और अन्य लोगों से दुश्मनी थी, जो खतरनाक गैंगस्टर अपराधी हैं और कई हत्याएं कर चुके हैं। आरोप है कि अनुज चौधरी की हत्या में इनका भी षड्यंत्र शामिल था। प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुज के हत्यारों और षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ भयभीत परिवार को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग उठाई गई। सर, हम इसलिए आए थे कि हमारे भाई अनुज चौधरी की 10/8/23 को हत्या कर दी गई थी पासनाथ सोसाइटी में, और अभी तक जिन लोगों नामदर्ज रिपोर्ट है और उसके बावजूद भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, पुलिस उनसे मिली हुई है। और प्रभाकर नाम का एक व्यक्ति है, नामदर्ज रिपोर्ट है, वो खुलेआम गाँव में इधर उधर घूम रहा है और धमकी दे रहा है कि जैसे आपके भाई के साथ अनुज चौधरी के साथ किया है, मारा गया है, ऐसे ही हम आपको भी मार देंगे और या फिर हमें फैसला दो। हमारे पर प्रेशर बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती का, ना पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है और अन्य और भी साथी हैं उनके साथ में, उनके एक सत्येंद्र वगैरह है, गैंगस्टर है, पुराने मोहित चौधरी है जेल में बंद, उन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संबंध में हम सब लोग, माता पिता, सब लोग यहाँ पर आए हैं जिलाधिकारी। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। पुलिस हमें इग्नोर कर रही है, ना हमें कोई न्याय वगैरह दे रही है, ना कोई कार्रवाई कर रही है, ना कोई सुनवाई कर रही है, ना उनको कोई इनाम किया गया अभी तक प्रभाकर पे, ना उनकी कुर्की वगैरह की गई, अगर नहीं हाथ आ रहा है वो। अच्छा जी, प्रभाकर है क्या उसका कोई राजनीतिक? प्रभाकर की वाइफ में ब्लॉक प्रमुख है, तो वो उस चीज़ का भी फायदा उठा रहा है कहीं ना कहीं कि मैं नेता हूँ और ऐसा करवा दूँगा वैसा करवा दूँगा। हमारे भाई भी बीजेपी से टिकट ली थी और उन्होंने इलेक्शन लड़ा था ब्लॉक प्रमुख का, तो अब वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। हम इतने परेशान हो चुके हैं, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। आज हम जिला अधिकारी के यहाँ पे बैठे हैं। एसएसपी साहब से भी आपने कुछ एसएसपी साहब को भी हम कई बार दे चुके हैं अपनी एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।